नमस्कार दोस्तों, आप सफलता डॉट कॉम देख रहे हैं और सफलता डॉट कॉम के इस सफलता टॉक के एपिसोड में आज मेरे साथ जो गेस्ट ऑफ द डे है वो है मिस्टर पुनीत कुमार। और पुनीत कुमार जी की पूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। बतौर सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश स्टेट में कार्यरत हैं और सफलता टॉक के इस एपिसोड में आज तमाम बच्चों को वेलकम करूंगा। और तमाम बच्चों से मैं उम्मीद करूंगा जो भी हमारे सोर्स चाहे यूट्यूब या फेसबुक चैनल से इस सेशंस को लाइव देख रहे हैं बिल्कुल कमेंट करें, और आपके हर एक कमेंट हमारे लिए अप्रिशिएबल होगा, वैल्यूएबल होगा। और आपके हर एक कमेंट का हम लोग यहाँ से हमारे जो गेस्ट ऑफ द डे हैं जो कि बतौर उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में कार्यरत हैं, और तमाम बच्चे जो यूपीएसआई जैसे बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सफलता डॉट कॉम की यह पहल सबसिक्वेंटली हम लोग लेकर के आ रहे हैं ताकि जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े एग्जामिनेशंस में सब इंस्पेक्टर के जो 95 वैकेंसी आई है जिसमें आपके सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर और फायरमैन 2 की जो वैकेंसी आई है उसकी पूरी स्ट्रैटेजी को हम जिक्र करेंगे एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के माध्यम से। और पुनीत जी आपका वेलकम करते हैं सफलता टॉक के इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच। जी सो पुनीत जी, इस पूरी जर्नी में आज हम बच्चों को हेल्प करने वाले हैं। जो भी बच्चे हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और यूपीएसआई की पूरी स्ट्रेटजी और आपकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे। इसके पहले पुनीत जी आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने यूपीएसआई का ये एग्जामिनेशन कब क्वालिफाई किया और साथ में आपने पुलिस जॉब के प्रति आपका जो रहा है, हमारी आपकी पहले भी बात हुई है वो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा मुझे जरूर गाइड कीजिए और हमारे बच्चों को गाइड कीजिए कि आपको क्या ऐसी चीज थी जो पुलिस जॉब के प्रति प्रेरित की और साथ में आज आप उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर तौर पर कार्यरत हैं। सो अपनी एक पृष्ठभूमि, कहाँ के आप रहने वाले हैं, किस तरीके से आपने तैयारी की और आपको पुलिस जॉब के लिए किसने प्रेरित किया, ये चीज थोड़ा जिक्र कीजिए यहाँ पे बच्चों के साथ। जी जरूर। देखिए दिलीप जी, मैं मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण क्षेत्र से है। मेरा जन्म भी गांव में हुआ, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, एक तहसील खैर में गांव है बामोती, वहां पे मेरा जन्म हुआ। मेरी स्कूली जो शिक्षा है वो भी वहीं पर हुई। यहाँ तक के 5वीं क्लास तक की जो मेरी शिक्षा थी वो प्राइमरी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूल में हुई। जहाँ पर जिस समय मैं पढ़ रहा था उस समय वहां पर इंग्लिश भी नहीं पढ़ाई जाती थी। तो मैंने जो इंग्लिश की बेसिक एजुकेशन है या कहना चाहिए जो एबीसीडी है वो भी मैंने 6 क्लास से पढ़ना शुरू किया। तो 12th तक की जो मेरी एजुकेशन है वो वहीं गांव में रह करके ही हुई। उसके बाद फिर अलीगढ़ स्विच किया और वहां पर जो है बाकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मेरी जो शिक्षा है वो अलीगढ़ में रह करके मैंने पूरी की। और इसी दौरान लगातार मैं कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी लगातार करता रहा, देखता रहा लगातार। बहुत सारे एग्जाम्स भी दिए, बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई भी किए। और पुलिस की जहाँ तक बात है तो हमेशा से ही पुलिस डिपार्टमेंट पे आने का मुझे शौक था। हमेशा से ही मैं पैशनेट रहता था इसको लेकर के। न्यूज़पेपर्स में पढ़ता था पुलिस वालों के बारे में, पुलिस की जॉब्स के बारे में। और तमाम उस समय जिस समय मैं स्कूलिंग कर रहा था उस समय इंटरनेट उतना ज्यादा नहीं था या फिर बाकी चीजें जो सोशल मीडिया वगैरह भी उतना नहीं थी। और ये सब चीजें मैं या तो टीवी के माध्यम से कभी कभी या फिर न्यूज़पेपर्स के माध्यम से ही ज्यादातर देखा करता था। तो वहां से मेरी एक रुचि बनी। 12th से ही मैं क्लियर था कि 12th करते ही मैं क्लियर था कि हाँ मुझे एक पुलिस ऑफिसर ही बनना है और उसी के लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा। 2011 में, 2011 में वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए। उसमें फिर मैंने अप्लाई किया और कुछ थोड़ी बहुत उसमें कानूनी दाव पेच भी रहे जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिले होता गया। और लास्ट में 2017 में मैंने अपनी ट्रेनिंग जो थी वो पीटीसी मुरादाबाद में शुरू की। 2018 में पीटीसी मुरादाबाद में मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट करके 2018 में ही मेरी पहली पोस्टिंग आगरा में हुई। और तभी से मैं लगातार आगरा में हूँ और काफी सारे
ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी दोनों ही क्षेत्र में काम किया, और अभी मैं प्रेजेंट में सोशल मीडिया प्रभारी हूँ आगरा जोन में। तमाम बच्चों को इस एपिसोड के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पुनीत जी, जैसा कि इस जर्नी को इन्होंने अभी इलाबरेट किया, सर ने ट्रेनिंग को कंप्लीट किया 2018 में और अभी आगरा में पोस्टेड है। सो इस पूरी जर्नी में मैंने देखा पुनीत जी, चूंकि सब इंस्पेक्टर का जो जॉब है 4200 ग्रेड पे का एक ग्रुप सी नॉन गैस्टेड का जॉब है, और आपको पता है कि चाहे मैं स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन की बात करूँ या सेंट्रल लेवल के CPOSI एग्जाम्स की बात करूँ, सब इंस्पेक्टर जैसे बड़े एग्जामिनेशंस को बड़े अच्छे रुतबे के साथ देखा जाता है, खास करके कैंडिडेट के लिए। और यह एक नॉन गैस्टेड ग्रुप बी रैंक का पोस्ट है, जो कि आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत भी 4200 ग्रेड पे का ये जॉब माना जाता है, राइट? हाँ बिल्कुल, 4200 ग्रेड पे का है। शुरुआत इसकी 4200 ग्रेड पे से ही होती है, बाद में फिर प्रमोशन होते रहते हैं तो जी ग्रेड पे भी बढ़ते हैं। सो अपनी जी करेक्ट। सो एज पर दी डिपार्टमेंटल प्रमोशन, काफी इसमें इसकी हायरार्की होती है और उसके बाद आपका प्रमोशन बढ़ जाता है। सो इस पूरी जर्नी को मैं देखूं, पुनीत जी आपकी जर्नी काफी अच्छी रही है और काफी आपने फाइट किए हैं, स्ट्रगल किए हैं एक सब इंस्पेक्टर रैंक के पोस्ट को लेने के लिए। साथ में आपने मेरे को ये भी बताया कि सब्सिक्वेंटली आपने सब इंस्पेक्टर के साथ और भी पैरेलल आपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हैं और उस पर हम जिक्र भी करेंगे बाद में। पुनीत जी, आपने ये जो पूरी जर्नी को पिरोया है एक सब इंस्पेक्टर के तौर पे, एक यूनिफॉर्म जॉब के प्रति अपने आप को आपने निखारा है एक वर्दी जॉब के प्रति, और आगे भी आपका ड्रीम हो सकता है स्टेट PCS हो या सिविल सर्विस हो। पुनीत जी, आप मेरे को थोड़ा ये गाइड कीजिए कि इस पूरी स्ट्रगल फेज को एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं, एक कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं, इस पूरी तैयारी की स्ट्रेटजी को आपने कैसे पिरोया है? मतलब आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या रही है, कितना घंटे आप डेडिकेट करते थे? जैसे हमें पता था कि UPSI के सिलेबस के नेचर के बारे में भी आप एक्सप्लेन कीजिए, साथ में इसके टाइमिंग को आपने कैसे बांटा सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मूल भी थी जिसको बेसिक लॉ बोलते हैं, जनरल हिंदी, वहां पे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डीमोटिवेट होते हैं, अब उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं न्यू टॉपिक है उनके लिए। इस जर्नी को थोड़ा सा बच्चों को गाइड कीजिए और साथ में एक बार तमाम जो हमारे कैंडिडेट पुनीत जी जुड़े हुए हैं उन बच्चों का मैं एक बार नाम लेना चाहूंगा और उन बच्चों को वेलकम करना चाहूंगा। इसमें हमारे साथ है आकाश कुमार, सूरज कुमार, वेरी गुड आफ्टरनून सूरज, राज श्रीवास्तव, गौरव रस्तोगी, अनीता, हमारे साथ आनंद पाल जी हैं, गौरव रस्तोगी। तमाम बच्चों के क्वेश्चंस हमारे पास आने चाहिए और आपके क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि आपके हर एक क्वेश्चंस का जवाब देना, हर एक चीजों को रिस्पॉन्ड करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड फॉर श्योर 2021 आपके लिए बेस्ट होगा, और पुनीत जी आपके साथ लाइव है और पुनीत जी बतौर सब इंस्पेक्टर जैसे बड़े एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जामिनेशंस के अंतर्गत। तमाम बच्चों का वेलकम है और तमाम बच्चों के डाउट्स भी मैं लेऊंगा पुनीत जी। यहाँ पे एक बच्चों का डाउट्स भी आ रहा है कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें, ये तमाम जानकारी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। अभी बनारस से हैं राज श्रीवास्तव, गुड आफ्टरनून, गौरव रस्तोगी, UPSI एग्जाम्स को कैसे क्लियर करें, ये तमाम बातें हम अभी जिक्र करने वाले हैं जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे गेस्ट ऑफ द डे हैं पुनीत कुमार जी। पुनीत जी, खास करके अभी जो बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन बच्चों का मोस्टली एक ही क्वेश्चन है कि इस पूरे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रैटजी होनी चाहिए, चाहे सब्जेक्ट के प्रति स्ट्रैटजी हो देखिए, या चाहे टाइम मैनेजमेंट के प्रति स्ट्रैटजी हो, इस चीज को आप अपने अपने भाषा में कैसे उतारेंगे, चूंकि आपने इसको देखा है, आपने इसको समझा है और आपने इस एग्जाम्स को एक स्टेप आगे बढ़ करके क्वालिफाई किया है, तो इस पे थोड़ा बच्चों को रूबरू कीजिए, जानकारी दीजिए। सभी बच्चों को पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो लगातार इस तरीके के एग्जाम्स के लिए प्रयासरत हैं, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जितने भी बच्चे पूरे मन से और पूरी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वो सभी के सभी जो हैं सेलेक्ट हो जाएं, और ताकि उनके भविष्य को एक दिशा मिल सके। जहां तक तैयारी की बात करते हैं तो देखिए, हमेशा सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है और वो होता है लगातार अभ्यास करते रहना।
और इसको अगर आज की कंपटीशन के दौर में अगर देखा जाए तो अभ्यास या मेहनत जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी दिशा, जिस दिशा जी बिल्कुल, करते समय आप जो है अपनी दिशा से ना भटकें कभी भी। अगर मेहनत भी कर रहे हैं लगातार और मेहनत अगर आपकी गलत डायरेक्शन में जा रही है तो फिर उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आप जो है वो असफल हो जाएंगे और फिर आपका आत्मविश्वास भी जो है टूट जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई भी एग्जाम देने से पहले, किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम अगर आप दें तो अपने मन में ना एक पॉजिटिविटी लेकर के आए कि हाँ ये एग्जाम मुझे एक सकारात्मक सोच के साथ देना है कि ये एग्जाम मुझे क्लियर करना ही करना है, ना कि केवल इतना कि चलो ठीक है देने के लिए केवल दे देते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे कभी भी आज के कंपटीशन के समय में जो है एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। जब आपकी सोच जो है जब तक सकारात्मक नहीं होगी तब तक चीजें जो है आपके कंट्रोल में नहीं आएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी एग्जाम देते समय सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, तो हमें जो डायरेक्शन देता है वो देता है सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल हम अभी जो रिसेंट वैकेंसी जो आई है उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की, तो अगर हम इसका सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में 400 नंबर का एग्जाम है। 400 नंबर के एग्जाम में 100 मार्क्स मैथमेटिक्स के लिए हैं, 100 मार्क्स रीजनिंग के लिए हैं, 100 मार्क्स हिंदी के लिए हैं, और 100 मार्क्स में जो है जीएस आ जाती है, और उसमें भी मोस्टली मूल विधि और संविधान का जो पार्ट आता है वो ज्यादा से ज्यादा आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है, जब कभी भी आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो एक सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करें और सही दिशा में मेहनत करें। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते चलेंगे वैसे वैसे मैं बताता चलूंगा कि चीजों को किस तरीके से कंपाइल करते हैं, किस तरीके से जो है उन पर बात करते हैं। तीसरी चीज, घंटे। देखिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, कितने घंटे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। कई बार काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 8 8 10 10 12 12 घंटे पढ़ लेते हैं और उसके बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे बहुत सारे कैंडिडेट मेरे फ्रेंड्स वगैरह इवन मैं बहुत सारे इस तरीके के रहे हैं कि जिन्होंने एक औसत स्टडी करी है, सही डायरेक्शन में स्टडी करी है, 5 6 घंटे स्टडी करी है और उसके बाद वो सेलेक्ट भी हुए और आज बहुत अच्छी पोजिशन पे भी है। तो सबसे जो बड़ी चीज ये होती है कि डायरेक्शन आप मेहनत करें और एक सही डायरेक्शन में करें। और रही बात आवर्स की, तो मेरे हिसाब से 5 से 6 घंटे अगर आप कंटिन्यूस, इस कंटिन्यूटी को जरूर ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप 4 दिन 8 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर बाकी के 3 दिन आप जो है गोल कर दिए, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसे कंटिन्यूटी नहीं बोलते हैं। कंटिन्यूस आप 5 से 6 घंटे पढ़िए लेकिन कंटिन्यूस रहिए। 7 दिन पढ़ना है, थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व कर लीजिए, थोड़ा सा सामाजिक कार्यों को या सोशल एक्टिविटीज का मेरा मतलब ये है कि इधर उधर जाना, दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना, रिलेटिव के यहाँ जाना, इन सब चीजों को जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक आप इनको थोड़ा सा सीमित कर दीजिए, और 5 6 घंटे कंटिन्यूस अगर आप पढ़ाई करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको सक्सेस मिल जाएगी। जी पुनीत जी, बिल्कुल आपने जो जानकारी दिया वो काफी हेल्पफुल है बच्चों के लिए, और तमाम बच्चों को फिर से मैं एक बार नाम के साथ वो करना चाहूंगा जो बच्चे रिलेवेंट हमारे ग्रुप के साथ जुड़ करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एक बार तमाम बच्चों का फिर से मैं वेलकम करूंगा। शिव कुमार पूछना चाह रहे हैं कि रिविजन कैसे करें, साथ में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन सेम आ रहा है और क्वेश्चन है कि मेरी मैथ्स वीक है, बाकी सब्जेक्ट सही है, क्या मैं यूपीएसआई क्लियर कर सकता हूँ? हाँ आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सब्जेक्ट कोई भी चीज अच्छा, अगर क्या मैं वीक। यूपीएसआई क्लियर कर सकता हूँ? तो इस पे भी हम जिक्र करेंगे, और अगले हमारे एक छात्र हैं जिनका क्वेश्चन है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है तो क्या मैं जॉब के लिए एलिजिबल हूँ? सुमन चौधरी, जहां तक मेरे को जानकारी है और सुमित जी को भी ये जानकारी होगी, कोई भी अगर ऑपरेशन हुआ है और कोई भी बीमारी, अगर मैं बात करूं यूपीएसआई के मेडिकल स्टैंडर्ड का, जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, सो कोई भी बीमारी
जो रिकवरेबल है, जो रिकवरेबल है मींस जो सही हो सकती है, सो उसके लिए आई थिंक यू आर एलिजिबल टू सीट। तो आप एक बार जरूर कंफर्म कर ले कि ये रिकवरेबल है तो आप एलिजिबल है, और बिल्कुल उसका एक बार जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, हालांकि मैं पुनीत जी से इस पर इनपुट लूंगा, एक बार उनसे आप चेक भी करवा सकते हैं। सो यू आर एलिजिबल। अंजलि वेरी गुड गुड आफ्टरनून, सूरज कुमार, रोमिल प्रसाद, तमाम बच्चों का वेलकम है सफलता डॉट कॉम के इस प्लेटफॉर्म में। और तमाम बच्चे के जो भी डाउट्स है यूपीएसआई की तैयारी के संबंध में, आप तमाम बच्चे एक बार यहाँ पर आकर के सूरज कुमार, राज श्रीवास्तव, गौरव रस्तोगी, अनीता, आनंद पाल, अंजू शर्मा एंड गौरव रस्तोगी अगेन, रोमिला प्रसाद, तमाम बच्चों का सफलता डॉट कॉम के इस सफलता टॉक के सेशंस में वेलकम है। और तमाम बच्चे आपके पास जो भी आपके दिमाग में डाउट्स आ रहा है तैयारी को लेकर के, क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से तैयारी को ऑर्गेनाइज करना है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है, आज चूंकि हमारे साथ लाइव इस वेबिनार में खुद पुनीत जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर जैसे बड़े एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करके बतौर कार्यरत हैं। सो पुनीत जी, एक बार फिर मैं आपको वही क्वेश्चंस पर लेकर के जाऊंगा जहां पर आपने अभी डिस्कस किया था कि बच्चों को कोई भी एग्जामिनेशंस को के लिए पहला उनका सब सोच होना चाहिए इस एग्जामिनेशंस के प्रति, दूसरा बच्चे को डिसिप्लिन हो करके उस चीज को जिस भी एग्जामिनेशन को तैयारी कर रहे हैं उसको एक डिसिप्लिन वे में काम करना चाहिए, भले ही वो 6 घंटे की ये स्टडी करें लेकिन वह स्टडी कंटिन्यू होनी चाहिए। और बच्चा चाहे वो यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन हो या यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन हो, अगर आप उस एग्जाम्स के प्रति सकारात्मक है, 6 से 7 घंटे पॉजिटिवली आप डेडिकेट कर रहे हैं, प्रॉपर कंटेंट को आप ले रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपका एक सीट आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, जैसा कि पुनीत जी ने अपने घर वाले को एक अपना सीट डेडिकेट किया, अपने देश के लिए आप एक सीट जरूर देंगे। सो पुनीत जी, बच्चों के जो मोस्टली डाउट्स है ना, वो फिर वही आके रुक जाता है कि मैथ्स में मैं वीक हूँ, बाकी सब्जेक्ट मेरा सही है। तो इस पे खास करके उन बच्चों को जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको थोड़ा आप गाइड कीजिए कि वो इस तैयारी को कैसे ऑर्गेनाइज करें। देखिए दिलीप जी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। अगर वीकनेस है तो वीकनेस को कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा काम करके, उस पर थोड़ी सी मेहनत करके उसे दूर किया जा सकता है। रही बात मैथमेटिक्स की, तो देखिए कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, उस बच्चे के लिए मैथमेटिक्स जिस लेवल का इस एग्जाम में आता है, केवल 10th लेवल का आता है और बहुत ही साधारण सा मैथमेटिक्स है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। उस चीज पर आप उसे इस तरीके से मना लें कि ये मैथ है, मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं रहा हूँ, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हैं। आप चाहें तो घर पर तैयारी कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी ट्यूटर से ट्यूशन ले सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी क्लास ले सकते हैं किसी भी तरीके की, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है मैथमेटिक्स में तो। लेकिन बिल्कुल मैथमेटिक्स अपने आप में इतना अच्छा और इतना ज्यादा अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि उसको लेकर के आपके दिमाग में श्योरिटी आ सकती है कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरा पूरी तरीके से ठीक है, तो वो जो है आपकी सफलता के चांसेस ज्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि अगर आपने उस पर अच्छी मेहनत की है और आपने उसके जितने भी सिलेबस में बताए गए जितने भी पार्ट्स हैं उस पर काम किया है, तो मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा और आपके सिलेक्शन में बहुत ही अच्छी और निर्णायक भूमिका निभाएगा। और रही बात इसकी प्रिपरेशन की, इसकी तैयारी की, तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग तैयारियां कर रहे हैं, तमाम तरीके की बुक्स आती हैं इस तरीके की। कोई भी बुक आप ले सकते हैं, कोई भी बुक, किसी भी तरीके की बुक आप ले सकते हैं, अच्छी बुक ले सकते हैं। आर एस अग्रवाल की बुक आती है, घटना चक्र की बुक आती है, और भी तमाम पब्लिकेशन हैं, उन तमाम पब्लिकेशन की बुक आती हैं। आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक लेकर के बस आप जितना ज्यादा से ज्यादा उसका एक्सरसाइज कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा उसका अभ्यास कर सकते हैं, उस पर आप लगातार अभ्यास करिए और अभ्यास के द्वारा ही आप की जितनी भी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और अगर उसके बावजूद भी वो कमी दूर नहीं हो रही है, तो फिर मेरा सजेशन यही है कि आपको फिर किसी न किसी से मदद लेनी चाहिए, या तो किसी ट्यूटर से मदद ले लो, या किसी ऑनलाइन या किसी ऑफलाइन क्लास से मदद ले लो। क्योंकि जब आपको ये लग रहा है कि बिना क्लास के मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाएगी
और वो नेगेटिविटी जो है फिर आपकी जो स्ट्रांग पार्ट है उन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगी और आप उनमें भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं होती है तब तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और एग्जामिनेशन हॉल में जब तक आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बैठेंगे तब तक आपसे आपका जितना 100% है वो आप नहीं दे पाते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे ह्यूमन एरर, यानी कहते हैं ना कि ये मुझसे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, इन्हें कहते हैं ह्यूमन एरर, मानवीय गलतियां, ये लगातार होंगी। अगर मानवीय गलतियों से आप बचना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी रखें, और जहां कहीं भी आपके पोर्शंस वीक हैं उन सभी पोर्शंस पर काम करें, खुद कर सकते हैं तो खुद करें, अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी की मदद लें, किसी से पूछने में, किसी से मदद लेने में किसी भी तरीके की कोई भी झिझक नहीं है, और न ही आप झिझक करें, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है और अगर आप उसके बाद भी झिझक रहे हैं किसी चीज के लिए तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सोच है, इस चीज को आप हटा दीजिए। आपको वो पढ़ने के लिए किसी छोटे से बच्चे से भी कोई जानकारी मिल रही है तो उस जानकारी को सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहें, ये आपकी पर्सनालिटी को निखारेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आएगा, आपको नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा, और ये सब चीजें मिलकर के आपको एक बेहतर कैंडिडेट बनाएंगी और एग्जामिनेशन हॉल में 100% देने के लिए आपको प्रेरित करेंगी। और फिर इन सब चीजों के साथ जब आप जाएंगे तो आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और फिर मेरे हिसाब से जो है आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बिल्कुल पुनीत जी, मैं सुन पा रहा था और तमाम बच्चे इस जानकारी को ले रहे हैं, और बच्चे जैसा कि पुनीत जी ने आपको एक सिंपल सा स्ट्रेटजी बताया कि चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, मूल विधि की बात करूं या हिंदी की बात करूं, अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट के प्रति आपका थोड़ा सा आपको लगता है कि उस सब्जेक्ट में आपका जो कॉन्सेप्ट है, या मैं बात करूं सब्जेक्ट के प्रति आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं, और खास करके उन बच्चों को जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं उन बच्चों को बिल्कुल मैं गाइड करना चाहूंगा कि वो एक अच्छी कोचिंग ले सकते हैं, और जो उनका इनिशियल मैथ्स का लेवल है या मूल विधि का जो सब्जेक्ट है जिसको बेसिक लॉ के अंदर रखा गया है, या जनरल हिंदी की बात करूं मैं, तो एक कोचिंग से आपका क्या होता है, एक क्लास के प्रति आपका डेली का रूटीन बन जाता है, आप अटेंटिव होकर के क्लासेस में पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, और अलग अलग जो कलेक्शंस है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन कलेक्शंस के संग्रह को लेकर के आप प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप पॉजिटिव हैं सब्जेक्ट के प्रति, उस कॉन्टेंट के प्रति आपने जो आपका डर है उस डर से आगे बढ़ करके अगर आपने काम किया है तो बिल्कुल वो चीज हो जाती है, इतना टफ नहीं होता है जैसा कि पुनीत जी ने आपको बताया। और पुनीत जी थोड़ा सा एक और मैं आपसे यहाँ पे कुछ जानकारी लेने वाला हूँ, खास करके मूल विधि को लेकर के और जनरल हिंदी को लेकर के, इसका जो फियर है वो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मैसेज बॉक्स में बच्चों का जो इंक्वायरी आ रहा है, हमारे साथ है जावेद सैफी, अभी गौरव रस्तोगी, साथ में हमारे साथ संदीप तिवारी, ये तमाम बच्चे जुड़े हुए हैं और इनके वही क्वेरी है कि मूल विधि क्या है, मूल विधि क्या है और इसके थोड़े से बेसिक स्ट्रक्चर को आप एक्सप्लेन कीजिए, मूल विधि क्या है और इसकी तैयारी में बच्चों को जो थोड़ा सा ना लगता है कि ये कोई नया सब्जेक्ट है उस डर को हमें कैसे खत्म करना है, और मूल विधि के सब्जेक्ट्स को थोड़ा यहाँ पे आप एक्सप्लेन कीजिए। ओके देखिए जो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में केवल मूल विधि नहीं है, उस सिलेबस में मूल विधि और संविधान है, जहां तक मुझे पता है मूल विधि और संविधान। देखिए मूल विधि बेसिकली जो होती है वो आईपीसी को कहा जाता है, भारतीय दंड संहिता को, इंडियन पिनल कोड को कहा जाता है, और संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है। तो जो आपका जो अभी पेपर आएगा या इसके अलावा जो एग्जाम मैंने दिया था जिसको मैंने क्रैक किया था उसमें मूल विधि के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं या नहीं आए थे पिछले काफी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके जब आप देखेंगे तो आईपीसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि आईपीसी आपकी शुरू होती है आफ्टर सर्विस या कहना कि सॉरी आफ्टर ट्रेनिंग, यानी कि सर्विस में जब आप आते हैं, जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हैं तब आप उसके लिए काम करते हैं, भारतीय दंड संहिता के लिए आईपीसी के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लगातार सुनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूज पेपर्स में पढ़ा होगा कि 302 का केस लग गया, 376 का केस लग गया, ठीक है 307 का कोई केस लग गया।
ये कुछ इंपोर्टेंट सेक्शंस हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं। आप इन धाराओं को प्रिपेयर कर सकते हैं, इनके लिए कोई भी छोटी सी कोई भी बुक ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से 70 या 80 सेक्शंस होंगे जो जहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेरे हिसाब से 10 से 15 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा के क्वेश्चन मूल विधि से नहीं आएंगे। मेरे समय भी नहीं आए थे, मुश्किल से 8-10 नंबर के ही क्वेश्चन आए थे। उसमें कुछ इंपोर्टेंट सेक्शन जो हैं जो आप लगातार यूज करते हैं, जैसे कि आजकल आप इसको यूज कर सकते हैं, कि जैसे कई बार आप न्यूज पेपर में पढ़ते हैं ना कि धारा 144 लागू हो गई, ठीक है, तो इस तरीके की ये धारा 144 किसके लिए लागू होती है, कब लागू होती है ये। इसके अलावा हत्या के लिए कौन सी धारा होती है, रेप के लिए कौन सी धारा होती है, ठीक है, या इसके अलावा हत्या के प्रयास के लिए कौन सी धारा होती है। तो ये कुछ 70 to 80 सेक्शंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका वास्ट रूप से, वाइड रूप से शुरू होता है जब आप फील्ड में आकर के जॉब करते हैं। अभी फिलहाल आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है इस वाले पार्ट में, इस वाले पोर्शन में जो 100 मार्क्स का आएगा, इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका संविधान का, ठीक है। हाँ, संविधान को लेकर के कंसर्न हो सकता है आपका, और उसमें मैं समझ सकता हूँ कि संविधान में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती होंगी, क्योंकि जो उसके आर्टिकल्स होते हैं उन आर्टिकल्स को याद करना, प्लस उसके उस आर्टिकल के अंदर जो बात कही गई है उस चीज को याद करना, ये थोड़ा सा अपने आप में चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन चैलेंजेस तो फेस करने आने चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अब यहाँ से आपकी लाइफ जो है वो चैलेंजिंग ही होती चली जाएगी। और देखिए, सीधी सी बात है, फॉर्म लाखों की संख्या में भरे जाते हैं, सेलेक्ट होते हैं हजारों की संख्या में, तो वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो बच्चे चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा किसी भी तरीके से कि हमें ये न फेस करना पड़े और इसके बावजूद हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम होता है। इसीलिए आप हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार रहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखिए, संविधान में भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स उसमें जुड़ गए हैं बाद में, 450 से ऊपर जाकर के आर्टिकल हैं आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो। तो ये जितने भी आर्टिकल हैं, ये सभी आर्टिकल आपको याद नहीं करने हैं। बमुश्किल 70 to 80 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिन आर्टिकल से सीधे सीधे तौर पर या आर्टिकल को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी अगर मैं बात करता हूं, संविधान की अगर मैं बात करता हूं, तो जो संविधान का भाग 4 का है, 4 का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 4 का, 4A, ये जो पार्ट है जहां पर के आर्टिकल 1 से लेकर के 51A तक आते हैं, ये आर्टिकल आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में आ जाता है, नागरिकता के बारे में आ जाता है, तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में आ जाता है, चौथे भाग की अगर मैं बात करूं तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में आ जाता है, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनके बारे में आ जाता है, और 4A जो बाद में जोड़ा गया है उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में आ जाता है, यानी कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तो ये आर्टिकल आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेने चाहिए। इन आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 15 में क्या है, ठीक है, या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन से आर्टिकल में है, या इसके अलावा अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो कौन से आर्टिकल में है। तो मेरा सजेशन यही है कि आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 51A तक आप सारे आर्टिकल्स याद कर लीजिए। अभी मैं उन आर्टिकल्स को याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका आप लोगों को मैं बता दूंगा, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट हैं, वो खुद भी आते हैं और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आते हैं। उनमें से प्रेसिडेंट से संबंधित कुछ आर्टिकल हो गए, वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित कुछ आर्टिकल हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ आर्टिकल्स हो गए, और इसके अलावा जुडिशरी के कुछ आर्टिकल्स हो गए। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि आते हैं उसमें, और कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल्स हैं ये आप लोगों के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है, हाँ, पंचायती राज भी, पंचायती राज यानी कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नेंस है, उससे भी आर्टिकल्स पूछे जाते हैं।
अब इन आर्टिकल्स को याद कैसे किया जाए, इसका एक मैं बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोई भी चीज हमें याद कब होती है? केवल एक बार पढ़ने से या दो बार पढ़ने से याद नहीं होती है। कोई भी चीज हमें याद होती है जब हम लगातार उसका रिवीजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटी सी जो है स्टोरी बताता हूँ, या स्टोरी नहीं, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं छोटा सा, कि जैसे हम आज की बात करें या फिर आप अपने किसी दोस्त की बात करें, तो आपको अपने 20 दोस्त हैं तो उन सभी दोस्तों के नाम याद रहते हैं, लेकिन अगर आपसे आज कोई भी व्यक्ति अगर मिला है तो उसने आपको अपना नाम बताया, दो बार मिला, दो बार उसने अपना नाम बताया, लेकिन अगर वही व्यक्ति आपको 1 साल बाद मिलेगा तो हो सकता है उस व्यक्ति का नाम आपको याद नहीं रहेगा। क्यों नहीं याद रहेगा? क्योंकि आपने वो नाम बार बार लिया नहीं। और आपको अपने दोस्तों के नाम क्यों याद रहते हैं? क्योंकि आप अपने दोस्तों के नाम बार बार याद करते रहते हैं, या आप बार बार रिवाइज करते रहते हैं, उन नामों को लेते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो ये जो बोलना है, ये जो बार बार रिवाइज करना है, ये जो आप बार बार जो प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है उन सब चीजों को आपकी मेमोरी में सेट करने। अब आप देखिए, आजकल शायद ही हमें अपने घर का भी कोई नंबर याद हो, फोन नंबर। दोस्तों का तो याद है ही नहीं, घर वालों का भी फोन नंबर याद नहीं है, आपकी क्या कहूं, मुझे याद नहीं है। ठीक है, और कई कई बार तो ऐसा होता है कि हमें, हमारे पास अगर 2 या 3 नंबर है, मोबाइल नंबर है, तो हमें वो भी याद नहीं रहते। क्यों नहीं याद रहते? क्योंकि हमारी फोन बुक में वो सेव है। हमें जब कभी भी किसी से बात करनी होती है तो तुरंत फोन बुक में से नंबर मिलाते हैं, और मिला करके जो है हम क्या कर देते हैं, उससे बात कर लेते हैं, हमारा काम हो जाता है, हमें उस नंबर को देखने का मौका ही नहीं मिलता। अब जरा आज से 15 या 20 साल पहले, जब मोबाइल उतने नहीं हुआ करते थे, हम खासकर हेलो। हाँ पुनीत जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है पुनीत जी। ठीक है, ठीक है। तो हम आमतौर पर, अगर मैं बात करूं इसमें, तो जी हमें आज अपना भी मोबाइल नंबर याद नहीं रहता है, अपने घर वालों का भी याद नहीं रहता है, क्योंकि हमें उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम किसी को भी फ्रेंड को करना होगा, किसी को भी करना होगा, तो हम उसको उसका फोन बुक में से नंबर ढूंढेंगे और नंबर मिला देंगे और उसका काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आज से हम 15-20 साल पहले जाते हैं, जब मोबाइल उतने नहीं हुआ करते थे, तो उस समय हम लोग कम से कम 40 से 50 नंबर हम लोगों को याद रहते थे। अपना भी याद रहता था, मामा जी का भी याद रहता था, एक दो दोस्त का भी याद रहता था, इवन पड़ोसियों तक के नंबर हम लोगों को याद होते थे। क्यों याद होते थे? क्योंकि हम लगातार उन मोबाइल नंबर्स को डायल करते थे। किसी भी पीसीओ पर जा करके या किसी भी लैंडलाइन से हम डायल करते थे, तो वो मोबाइल नंबर डायल करने की वजह से हमारी मेमोरी में फीड हो जाते थे। अब यही आपको करना है। आपको कैसे करना है? जब आप आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो आर्टिकल्स को पढ़ते समय, आज आपने पढ़ा कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, आप आज से इन सभी चीजों को बोलना बंद कर दीजिए और आप इनसे संबंधित आर्टिकल्स को बोलना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं आर्टिकल 52, तो आर्टिकल 52 हमें प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो हमें यह पता है कि राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान आर्टिकल 52 में है। लेकिन अगर हम अब तक राष्ट्रपति बोलते थे, आज से आप राष्ट्रपति की जगह आर्टिकल 52 बोलना स्टार्ट करो। जहां भी राष्ट्रपति का जिक्र आए, आप आर्टिकल 52 बोलो। ठीक है, जहां भी उसकी योग्यताओं के बारे में बात आए, जहां भी अदर चीजों के बारे में बात आए, उसकी सैलरी के बारे में बात आए, उसको हटाने, इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग के बारे में बात आए, तो आप इम्पीचमेंट मत बोलिए, आप आर्टिकल 61 बोल दीजिए। आप महाभियोग के बारे में, जो हमें प्रावधान करता है हमारे संविधान में, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग चलाया जाएगा, उसको हटाने की प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं, वो इम्पीचमेंट होता है, वो महाभियोग होता है, उसका प्रोसीजर आर्टिकल 61 में है। तो आर्टिकल 61 बोलना आप स्टार्ट कर दीजिए, आप जो है इम्पीचमेंट या महाभियोग बोलना बंद कर दीजिए। हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आए, ठीक है, लेकिन धीरे 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 ये सारी की सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी और आपको जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको आपकी उंगलियों पर तैयार हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब के हैं।
बिल्कुल 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 पुनीत जी, बिल्कुल मैं बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं, और तमाम बच्चे जैसे कि पुनीत जी ने काफी डिटेल में जाकर के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये जो मूल भीति सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट के इंटेंट की अगर मैं बात करूं तो उस सब्जेक्ट के प्रति, जैसे कि सर ने बताया कि आज के 15 साल पहले मोबाइल की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, 15 से 20 साल पहले अगर जाएं टेक्नोलॉजी इतनी भी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, और जो भी हमारे पास थोड़े बहुत नंबर हुआ करते थे उस नंबर को हम लोग याद करते थे। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी आई और धीरे धीरे हमने क्या करा, नंबर जो हमें याद करने की जो एक हमारी प्रोसेस है उसको हमने कहीं ना कहीं होल्ड कर दिया। सो जैसे अभी इस सेशंस के माध्यम से मूल विधि के बारे में सर आपके साथ जानकारी साझा कर रहे थे कि जो मेन मेन पॉइंट्स है, जैसे कि हमें पता है कि 1 से लेकर के 51 ए तक जो भी हमारी आर्टिकल्स होती है, जिसको देसी हिंदी में हम लोग अनुच्छेद के नाम से जानते हैं, जो भी अनुच्छेद है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटी होनी चाहिए कि अगर सिटीजनशिप राइट यानी नागरिकता का कोई संशोधन है या नागरिकता का कोई अनुच्छेद है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, या अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट्स यानी हमारी जो मूलभूत हमारी अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं इस 1 से 51 के बीच में। एक बड़ा अच्छा आपने एग्जाम्पल पेश किया और तमाम बच्चे इस एग्जाम्पल से बिल्कुल ले रहे होंगे कि अगर प्रेसिडेंट को जो अनुच्छेद रखा गया है, चाहे वो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की बात करूं या प्रेसिडेंट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए एक प्रेसिडेंट के लिए, और साथ में एक एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जिसको महामहिम बोला जाता है, भारत का महामहिम राष्ट्रपति, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो ये तमाम जानकारी आप उस आर्टिकल के माध्यम से आप अपने ग्रुप में बैठ करके अपने दोस्तों के साथ बात करके इसको याद कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल राइट्स के अलावा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के भी कुछ आर्टिकल हो, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन हो, स्टेट एंड सेंटर हो आपका, जुडिशियल का कुछ आर्टिकल हो, पंचायती राज का आर्टिकल हो जैसा कि पुनीत सर ने बताया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये चीज एज अ एस्पिरेंट अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एज अ एब्सोल्यूट करियर देन ये तो आपको आना ही चाहिए और आपको ये करना होता है और ये प्रैक्टिस से हो जाती है। तो यहाँ पे एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों सफलता.com के इस सफलता टॉक के माध्यम से आपको दिया जा रहा है, खास करके अभी मैं देख पा रहा था तमाम बच्चों के एक ही क्वेरी थी कि ये एग्जाम कब होगा और एग्जाम कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाएगा। दो बातें यहाँ पे आई है, तो दोनों बातों को पुनीत जी के माध्यम से हमारे पास जानकारी मिली है। तो बच्चों आपका एग्जामिनेशन का जो फॉर्म का डेट रखा गया था एप्लीकेशन फॉर्म भरने का 1 से 30 अप्रैल को, उसको अब एक्सटेंड करके 1 से 30 मई कर दिया गया है, यानी आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया को 1 महीने बढ़ा दी गई है। पहला इंफॉर्मेशन, अब ये फॉर्म 30 मई तक भरा जाएगा, यानी जो भी बच्चे जिनको लगता था कि सब्जेक्ट के प्रति उनका इतना कमांड नहीं है या उनको लगता था कि एग्जाम हो सकता है कि 15 जून के लगभग में हो यानी मिड जून के लगभग में हो, सो उन तमाम बच्चों को एक समय मिल गया है, अच्छे समय मिल गए हैं, और इस अच्छे समय को यूटिलाइज कीजिए। 400 नंबर के जो रिटेन का सिलेबस है आपका, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो जनरल हिंदी हो, जनरल स्टडी हो, आपका रीजनिंग, और अगर मैं बात करूं मूल भीति यानी बेसिक लॉ को, तो ये सिलेबस यानी 400 नंबर का जो सिलेबस है आपका यूपीएसआई का, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम जो मिल रहे हैं, इस एक्स्ट्रा समय को कैसे कैपिटलाइज कर रहा है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं कहीं ना कहीं वो एक डिसिप्लिन के साथ टाइम बाउंड स्टडी है, समय के साथ आपको पढ़ाई करनी होती है, और आपको पता है कि एक सर्टेन एज के अंतर्गत आपको ये चीज की तैयारी करनी होती है। सो एक अच्छा मौका मिला है तमाम बच्चों को, एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और आपको 30 अप्रैल तक मौका दिया गया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो इसका कोई अभी सुनिश्चित डेट निर्धारण नहीं किया गया है, अलग अलग सोर्स से जो कि इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कोरोना का जो ये सेकेंड वेव चल रहा था इससे पहले, सो उसमें बताया जा रहा था कि एग्जामिनेशन हो सकता है कि जून के मिड में ऑर्गेनाइज हो, लेकिन चूंकि 30 मई तक आपका ये फॉर्म भरने का प्रक्रिया रखा गया है, सो होपफुली मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन अभी थोड़ा और एक्सटेंड होगा। और खास करके पुनीत जी अगर आपके पास एग्जाम्स के डेट को लेकर के कोई जानकारी हो तो बच्चे के साथ आप जरूर शेयर करें,
और बट मुझे यही लगता है कि एग्जाम्स अगर 30 मई तक आपका फॉर्म भरने का प्रक्रिया रखा गया है तो एग्जाम कहीं ना कहीं जुलाई तक जा सकता है। हाँ देखिए, एग्जाम को लेकर के कोई भी अभी सर्टेन इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि लगातार हालात खराब हो रहे हैं इस पेंडेमिक की वजह से, इस बीमारी की वजह से। तो जितना भी समय मिल रहा है आपके लिए अच्छा ही है, और आप इसको कैश करिए, अपनी तैयारी को अच्छे से ब्रशअप करिए और लगातार एक्सरसाइज करते रहिए, लगातार अपनी जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करते रहिए। जहां जहां जिस जिस पोर्शन में भी कमियां हैं उस पोर्शन की कमियों को आप दूर करते रहिए। एग्जाम जब वैकेंसी आई है तो एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम कब होगा अब ये पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एग्जाम अगर कराया जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो है हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और अभी इन हालात में ऐसा किया जाना उचित नहीं है। हमारे यूथ के साथ इस तरीके की चीजें करना उचित नहीं है, सबको ये ध्यान रखना चाहिए। और इन सब चीजों के द्वारा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है अभी एग्जाम की डेट को लेकर के कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है किसी भी तरीके का कि कब तक होगा, लेकिन एग्जाम होगा ही, जब वैकेंसी आई है तो एग्जाम तो होना ही है। आप इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचें कि एग्जाम कब होगा, बस आप जितना भी समय मिल रहा है उस समय को ज्यादा से ज्यादा कैश करें, क्योंकि अगर अभी देखिए वैकेंसी आ चुकी है तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको इस समय पढ़ने का आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे तब तो ठीक है, अगर आप पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आप कुछ बच्चों से पीछे रह सकते हैं जिनकी तैयारी अच्छी है, या जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले भी काफी सारे एग्जाम्स फाइट किए हैं या फिर काफी सारे एग्जाम्स को क्रैक किया है। तो जितना भी समय मिल रहा है आप ज्यादा से ज्यादा उसे कैश करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान रखें, पढ़ाई का ध्यान रखें ज्यादा से ज्यादा, सोशल थोड़े से कम हो जाए, इधर से उधर ना घूमें, टाइम कम बर्बाद करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और एग्जाम तो होगा ही, जब वैकेंसी आई है तो एग्जाम तो होना ही है। तो इस सब चीज में मुझे नहीं लगता कि आपको इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचना चाहिए कि एग्जाम कब होगा। मुझे तो मुझे लग रहा है कि ये चीज आपको पॉजिटिव लेनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले एग्जाम जून में होना था तो अब वो नहीं होगा, और नहीं होगा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको 1 महीने 2 महीने या 3 महीने जितना भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, इस एक्स्ट्रा टाइम में आपको अपने आप को ज्यादा अच्छे से तैयार करना चाहिए, और जो भी अपनी कमियां हैं उन सब कमियों को दूर करने पर काम करना चाहिए। अभी मत सोचिए कि एग्जाम कब होगा, बस अपनी कमियों को दूर करिए, यही मेरा सजेशन है आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत जी, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे पुनीत सर, यहाँ पे तमाम बच्चे एग्जाम्स को हमें ध्यान में लेकर के नहीं चलना है कि इसका क्या डेट रखा गया है, और ये भी ध्यान में लेकर के नहीं चलना है कि इस एग्जामिनेशंस में जो रिटेन से लेकर के फिजिकल के बाद जो मेरिट लिस्ट तक की प्रक्रिया हो कितनी लंबी जाएगी, बिल्कुल इस चीज को ध्यान में नहीं रखना है। बस आपको बस ये फिट करना है कि मुझे UPSI में एक अपने पोस्ट को सुनिश्चित करना है, अपने एक पोस्ट के लिए अपने आप को चयनित करना है, और इसकी जो सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच है, जो सब्जेक्ट है, चाहे वो मूल विधि हो, रीजनिंग हो, जनरल हिंदी है, या जनरल स्टडी के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड करेंट अफेयर्स, ये पूरे सीगमेंट्स पे आपको अच्छे से काम करने हैं, और 400 नंबर में आपको एक अच्छे फर्स्ट, आपको एक रिटेन क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल की जो दक्षता, फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए आपको अपीयर करना है। वह उसकी प्रक्रिया कमीशन्स पे, और मैं बता दूं कि जिस चीज पे हमारा और आपका कंट्रोल नहीं होता है उस चीज पे हमें बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमारा और आपका कंट्रोल होता है वो होता है हमारी अपनी तैयारी पे, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी पे, हमारी अपनी इंटेंट पे, हमारी अपनी कंटेंट पे। तो उस कंटेंट पार्ट को आप 100% कर लीजिए, उसकी तैयारी को आप 100% धारदार कर लीजिए, जैसा कि पुनीत जी ने किया, और बतौर आज सब इंस्पेक्टर के तौर पे आज फ्लाइंग कलर्स के साथ आगरा में पोस्टेड हैं। सो पहले तैयारी और फिर उसके बाद हम बात करेंगे, वो कमीशंस का काम है कि एग्जामिनेशंस का डेट कब आएगा, साथ में ये भी टेंशन लेने की बात नहीं कि एग्जामिनेशंस कब कंप्लीट होगा, ज्वाइनिंग कब इसकी होगी, ये बिल्कुल आपको सोचने वाली बात नहीं है। सो आई थिंक तमाम जानकारियां हम लोग आपको पहुंचा रहे हैं, सूरज कुमार, जावेद सैफी, संदीप तिवारी जी, जावेद सैफी, तमाम बच्चे, अभी आप तमाम बच्चों के हम लोग क्वेश्चंस जो आप लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, हमने 100% कोशिश की है कि आपके
जब आपको हम दे पाए आपके क्वेश्चंस आंसर्स का जो राउंड हमारे साथ चल रहा है उसको हम सॉल्व कर पाए, मूल विधि के क्वेश्चंस जो आपके थे उसको भी हमने काफी हद तक कोशिश किया कि आपको उसका प्रॉपर एक आंसर दे पाए। गौरव रस्तोगी, समृद्धि जायसवाल, शिवम, साथ में विशाल रानी, तमाम बच्चों का सफलता.com के इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। और इसकी अधिक जानकारी आप हमारे वेबसाइट सफलता.com पर जा करके भी ले सकते हैं, सफलता.com, सफलता.com पर जाकर के भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। अभी आपके जो डाउट थे एग्जाम्स को लेकर के वो हमने क्लियर किया, और आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसको भी एक्सटेंड कर दी गई है, क्योंकि जो अभी ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है तमाम बच्चों से हमारी उम्मीद है, पुनीत जी की भी उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे अपने घर पर सुरक्षित रह करके पढ़ाई करें, और जो समय मिला है उस समय को आप कैपिटलाइज कीजिए। कहीं भी अगर घर पे भी है तो कोई बाहर से आपके घर में मार्केट आता है तो आप उनका हैंड सैनिटाइज करवाइए, बिल्कुल मास्क पहनिए, बिना मास्क आप मत रहिए, और गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी का आप सेवन कीजिए। मास्क बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में अपने आप को मजबूत रखिए कि 2021 में इस पेंडेमिक में हमारा एक पोस्ट वर्दी यानी यूनिफॉर्म वाला UPSI में हमारा होगा, और बिल्कुल उसको लेकर के रहना है और उसको कंप्लीट करना है। सो ये जन रहे थे। सो पुनीत जी, दूसरी बात ये आती है कि रिटेन तक बच्चों का जो फोकस है, मैक्सिमम बच्चों को मैंने ये भी देखा है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चों का, रिटेन तक उनका फोकस बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ये भूल जाते हैं कि इस एग्जामिनेशन में रिटेन के साथ फिजिकल का भी उतना ही वेटेज है जितना कि रिटेन का होता है। सो अगर मैं बात करूँ शारीरिक दक्षता की, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए बच्चों को। हालांकि अभी आउटडोर कोई ऐसा एक्टिविटी आप सजेस्ट नहीं कीजिएगा क्योंकि अभी बाहर जाना थोड़ा टफ है, बट चूंकि घर पर रह करके क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं या बच्चे रिटेन के बाद एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा इस दो टेस्ट के बारे में जरूर एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे किसी कारण से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, या तो उनको पता नहीं होता या उस तरीके से उनने वर्कआउट नहीं किया हुआ होता है, तो ये चीज थोड़ा एक बार बताइए यहाँ पे बच्चों को। देखिए, ये जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर, ये पोस्ट बहुत ही जिम्मेदारी का पोस्ट है। इसमें आपको जितनी ज्यादा आपकी नॉलेज की जरूरत पड़ती है उतनी ही ज्यादा आपकी फिजिकल इफिशियंसी की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप बेसिक ऑफिसर होते हैं इस पोस्ट पर रह करके, जिसको कि इन्वेस्टिगेशन का काम करना होता है और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना होता है। इन्वेस्टिगेशन का काम करने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर का काम करने के लिए आपके पास योग्यता के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी जो फिजिकल इफिशियंसी है, जो आपकी शारीरिक दक्षता है, वो भी आपकी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए इस पोस्ट में जितना इम्पोर्टेंट आपका रिटन एग्जाम होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं आपका जो है फिजिकल एग्जाम भी होता है। हालांकि फिजिकल एग्जाम उतना टफ नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट जरूर है, तो आप उसकी उसको इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी स्तर पर इग्नोर नहीं कर सकते। अभी ये थोड़ा सा इजी कर दिया गया है। जब इससे पहले का 2011 2011 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो दौड़ थी, जो रनिंग थी, वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर के आसपास थी। अभी ये जो है, अभी इसमें 5 किलोमीटर के आसपास है, आधा घंटे में। तो ये जो चीज है आपकी फिजिकल एक्सरसाइज वाली, फिजिकल इफिशियंसी वाली, इस पर आप लगातार फोकस करें। और देखिए, रनिंग जो होती है, जो दौड़ जो आपकी होती है, उसे आप लगातार एक्सरसाइज करके, लगातार अभ्यास करके बढ़ा सकते हैं। अगर आपको समय मिल रहा है, जहां भी आपको, जब भी सुबह मिल रहा है तो, शाम को मिल रहा है तो आप, मेरा सजेशन ये है कि आप, हालांकि इस समय माहौल थोड़ा सा खराब चल रहा है, बाहर न निकलें आप, लेकिन अगर फिर भी अगर आप बाहर निकल पा रहे हैं किसी वजह से, मान लीजिए रूरल एरियाज में रहते हैं, रूरल एरियाज में उतना ज्यादा इफेक्टिव अभी चीजें जो है वो देखने को नहीं आ रही हैं, या आ भी रही हैं, तो आप इन सब चीजों के साथ थोड़ा सा सावधानी बरतें, और सावधानी बरत करके जो है आप अपनी लगातार इस रनिंग की प्रैक्टिस को करते रहें। ऐसी जगह पे करें जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ ना हो,
अगर घर में ट्रेडमिल है तो उस पर भी आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप उस पर भी अपनी रनिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर फील्ड में दौड़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रेडमिल पर दौड़ना और बाहर आउटडोर में जाना रनिंग करना, ये दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहां पर आप ट्रेडमिल पर नहीं दौड़ते हैं, वहां पर आप फील्ड में दौड़ते हैं, ग्राउंड में दौड़ते हैं। तो ये जो ग्राउंड का जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं बाहर तो ट्रेडमिल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उस पर आप अपनी दौड़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप निकल पा रहे हैं तो जरूर निकलिए, चाहे 15 मिनट के लिए दौड़िए, 15 मिनट के लिए रनिंग करिए, आधा घंटे के लिए रनिंग करिए, लेकिन आप रनिंग जरूर करिए। अभी आप ये चिंता मत करिए कि मेरी रनिंग कितनी टाइम में कितनी हो पा रही है, आप सबसे पहले अपनी रनिंग के लायक इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। आप लगातार एक्सरसाइज करते रहेंगे, लगातार आप जो है रनिंग के साथ थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करते रहेंगे, डिप्स वगैरह लगाते रहेंगे, चिनअप्स वगैरह करते रहेंगे, पुलअप वगैरह कुछ करते रहेंगे, तो इस तरीके की एक्टिविटीज से कहीं ना कहीं आपकी जो इफिशियंसी है, जो शारीरिक दक्षता है, वो बढ़ेगी। और अगर वो बढ़ेगी और साथ ही साथ आप रनिंग की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो वो कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। वो अगर आप थोड़ा भी उसको समय देंगे तो वो बड़ी आसानी से जो है किया जा सकता है, और आपकी दोनों ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप पढ़ाई पर भी फोकस करेंगे और आप इसी दौरान जो है अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पर भी फोकस करेंगे। तो ये जो फिजिकल एक्सरसाइज पर आपका थोड़ा सा दिया गया टाइम है, ये आपकी जो रिटेन वाला जो पार्ट है उसको और मजबूत करेगा। क्योंकि एक तो फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद आपका जो दिमाग होता है वो अच्छा काम करता है, ये तो वैज्ञानिक तथ्य है, ठीक है। दूसरा, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा एक पार्ट भी साथ साथ प्रिपेयर हो रहा है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जो है एग्जाम क्लियर होने के बाद मैं इसके साथ जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जब आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपके अंदर एक नकारात्मकता आ सकती है, या कहीं ना कहीं आप इस चीज को लेकर के कंसर्न हो सकते हैं कि अभी मेरी रनिंग वाला जो पार्ट है, जो फिजिकल एक्टिविटी वाला जो पार्ट है, वो उतना प्रिपेयर नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नकारात्मक भाव पैदा कर सकता है। इसीलिए ज्यादा समय तक मत एक्सरसाइज करें, ज्यादा समय नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आधा घंटा भी मिल रहा है सफिशियंट है, आप उसी को कैपिटलाइज करिए, आप उसी को यूटिलाइज करिए। और इन सब चीजों को साथ लेकर के अगर आप चलेंगे, क्योंकि देखिए आधा घंटा बहुत ज्यादा नहीं होता है, और अगर सेलेक्ट होना है तो देखिए ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ये जरूरी है। अगर सिलेक्शन पाना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट के साथ आपको कभी कुछ नहीं मिलता है। कंफर्ट के साथ अगर आप अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन को जो है कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देता है। हाँ, आप जा सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, थोड़े बहुत इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर टाइम रखिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे 6 घंटे स्टडी करनी है या 7 घंटे स्टडी करनी है, 1 घंटे मुझे फिजिकल एक्टिविटी करनी है, उसके अलावा जो मुझे टाइम मिलेगा उसमें मैं जो है अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेश करूंगा। अब मैं जो है कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं, और इसके अलावा न्यूज वगैरह देख सकते हैं, कोई भी मूवी वगैरह देख सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीच वगैरह जो है देख सकते हैं, और इसके अलावा आप कोई भी सीरीज किसी भी तरीके की कुछ जो कोई भी कुछ भी देख सकते हैं। तो ये कभी मत सोचिएगा, ये सब चीजें आपके दिमाग में कभी नहीं आनी चाहिए कि ये चीज जो है मेरी तैयारी को प्रभावित करेगी। प्रभावित वो तब करती है जब हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज की कीमत पर करते हैं। अगर हम पढ़ाई की कीमत पर किसी और काम को इम्पोर्टेंस देते हैं तो हमारी पढ़ाई जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। हम फिजिकल एक्टिविटीज की जगह किसी और चीज को ज्यादा महत्व देते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी। लेकिन अगर आपने ये अपना शेड्यूल बना रखा है, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपको एक कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी और आपको अपने अंदर एक अनुशासन और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप अनुशासित हैं, तो आप अपना पूरा का पूरा जो है वो एक होमवर्क कर लीजिए पूरा प्रॉपर, कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे मुझे फिजिकल एक्टिविटी को देना है, और इसके बाद जो मेरे पास समय बचेगा उस समय में मैं जो है मैं अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर सकता हूँ, कुछ भी काम कर सकता हूँ जो आपको अच्छा लगे। आप बातें कर सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, आप कोई गेम खेल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप करिए। लेकिन पहले इन दो चीजों के लिए, पढ़ने के लिए कम से कम 6-7 घंटे और फिजिकल एक्टिविटी के लिए आधा 1 घंटा आप निकालिए,
इन 7-8 घंटे के बाद आपको जो भी समय मिलता है, आप उस समय को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कैपिटलाइज कर सकते हैं, फिर आपकी पढ़ाई और आपकी फिजिकल एक्टिविटी कोई भी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं हो। बिल्कुल। और ये जानकारी पुनीत जी जैसा कि आपको पहुंचा रहे थे तमाम बच्चे, ये एक रियलिस्टिक जानकारी है जो पुनीत जी ने इस जानकारी को जो शेयर किया, ये एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है जो आप तक हम सफलता टॉक के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और तमाम बच्चों को बताना चाहेंगे कि रिटेन के साथ फिजिकल एक्टिविटी का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि रिटेन का है, और अदर प्रोसेस लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी सेम उतना ही आपका वेटेज है। तो तमाम चीजों को हमें लेकर के कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ चलना होता है कि जैसे कि पुनीत सर ने आपको यहाँ पे जानकारी दिया कि रिटेन में अगर हम रिटेन के प्रति फोकस है तो रिटेन के प्रति 100% फोकस रहना है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी को कर रहे हैं, डेली हम 30 मिनट्स फिजिकल के लिए अगर हम डिवोट कर रहे हैं तो फिजिकल 30 मिनट्स में केवल फिजिकल एक्टिविटी के प्रति फोकस होकर काम करना है, ताकि जो आपका सकारात्मक अप्रोच है रिटेन के साथ फिजिकल का, वो दोनों चीज को आप इजीली कर ले जाएंगे। और बहुत ही सिंपल होता है अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं, एक डिसिप्लिन के साथ, अगर आपने सोच लिया है कि यूपीएसआई हमें क्वालिफाई करना है और आप एक डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करेंगे और एक ना एक दिन आप अपने लिए, घर वालों के लिए एक यूनिफॉर्म जरूर देंगे। सो पुनीत जी, तमाम जानकारियां जो हम लोग बच्चे को पहुंचा रहे थे, और तमाम बच्चों से एक बार मैं पूछना भी चाहूंगा, मोहसिन खान, सूरज कुमार, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं एक बार जरूर मैसेज बॉक्स में बताइए। दीक्षा सिंह, ग्रीस, अत्री, अभी आपका एक जो इंफॉर्मेशन था कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर एक वीडियो बनाइए, तो बिल्कुल मैं अपने एकेडमिक टीम के साथ ये चीज जिक्र करूंगा और इस पर हम वर्कआउट करेंगे। तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर भी हम आपको हेल्प करेंगे, सफलता.com आपको हेल्प करेगा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं, समीर सिंह पटेल, यहाँ पे क्वेश्चंस और लेकर क्या है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है 400 नंबर, ये हम सुमित जी से डिस्कस करेंगे। और आप तैयारी कीजिए, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सुमित, आशुतोष, तमाम बच्चों को सफलता.com के इस एपिसोड में वेलकम है। और आप जरूर बताइए कि आप किस सिटी के रहने वाले हैं, और अभी आप अपने घर पे ही रह करके स्टडी करिए, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको सेफ रहना है घर पे, अपने आप को सुरक्षित करना है पहले। सो पुनीत जी, जो आपकी जर्नी रही हो काफी इंस्पायरिंग रही है, आपने बतौर सब इंस्पेक्टर के साथ और भी मल्टीपल एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किए हैं, और जैसा कि आपने बताया, और बस मुझे ये जानने की जरूरत होती है, और मैं अपने टाइम में भी SSB के लिए मैं काफी बार रिकमेंड हुआ था और SSB में फेस किया हूँ, तो मेरे को ये जानने की थोड़ा चाहत होती है, और खास करके जो बच्चे जुड़े हैं वो भी आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि ये पुलिस SI की जो ट्रेनिंग है, जो एकेडमिक में आप ट्रेनिंग लेते हो, ट्रेनिंग किस तरीके का होता है, और ट्रेनिंग में कितने कैडेट्स होते हैं, और आपकी जो ट्रेनिंग के साथ जो आपकी लर्निंग रही हो, किस तरीके से आपकी लर्निंग रही, और ये एक बार बच्चों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि अब तक हम बच्चों की तैयारी की स्ट्रेटजी जान रहे थे, सिलेक्शन के बाद लाइफ कैसा होता है, और ट्रेनिंग में आपने कैसा अपना टाइम गुजारा, क्या सीखा आपने, और ये एक बार जरूर एक्सप्लेन कीजिए बच्चों के साथ। जी देखिए, सिलेक्शन के बाद जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो ये डिपेंड करता है हर सेंटर पे कि वहाँ कितनी स्ट्रेंथ है, कितने कैंडिडेट आ सकते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद में, PTC मुरादाबाद में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें लगभग 800 कैंडिडेट्स थे, 800 लोग थे हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे थे साथ में। जी और ट्रेनिंग जो मोस्टली दो तरीके की होती है, एक तो होती है आपकी नॉलेज बेस, और दूसरी जो होती है आउटडोर, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों की, जिसको कि वहां पर दो पार्ट्स में बांटा गया है, इंडोर और आउटडोर। इंडोर जो है वो नॉलेज बेस्ड है, आपको जो जो चीजें आपको करनी है फील्ड में जाकर के, IPC पर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से वर्क करना है वहां पर, CRPC भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता है हमारी, उस पर किस तरीके से काम करना है, इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उस पर कैसे काम करना है। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो NDPC एक्ट है, इसके अलावा डाउरी है, इसके अलावा पशु क्रूरता अधिनियम है, या इसके अलावा SC ST एक्ट है,
ठीक है, या इसके अलावा रेलवे अधिनियम है, ठीक है, या इसके अलावा गैम्बलिंग एक्ट है। तो इस तरीके के तमाम तरीके के जो एक्ट हैं, जो तमाम तरीके के जो अधिनियम हैं, जो भी कानून बनते हैं, उन सभी कानूनों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है इंडोर में। बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि किस तरीके से हमें आईपीसी का यूज करना है, किस तरीके से सीआरपीसी का यूज करना है, किस तरीके से एविडेंस का जो हमें इस्तेमाल करना है। और हमें वहां सब बताया जाता है कि किसी भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें कोई भी एविडेंस कलेक्ट किस तरीके से करना है। जैसे आप लोग तमाम मूवीज वगैरह में देखते हैं, तमाम शोज वगैरह में देखते हैं, पुलिस जो काम कर रही होती है, तो वहां पर और एक्चुअल में काम करने में, पुलिस का जो ग्राउंड पर काम करने में बहुत अंतर होता है। वो तो 1 घंटे का एपिसोड या 2-3 घंटे की जो मूवी होती है, उसमें तो सारी की सारी चीजें जो है एकदम से सब अच्छी अच्छी सी निकल करके सामने आ जाती हैं। लेकिन मोस्टली जब हम लोगों की जब ट्रेनिंग होती है, तो हमें ये सब बताया जाता है उस समय कि ग्राउंड पर आपको किस किस तरीके की चीजों को फेस करना पड़ सकता है, आपको इन्वेस्टिगेशन के समय किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जब आप इन्वेस्टिगेट करके किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सबूत या इकट्ठा करते हैं, और फिर बाद में उसे उसके खिलाफ चार्जशीट लगा करके, आरोप पत्र लगा करके आप न्यायालय में पेश करते हैं, तो न्यायालय के समक्ष इस तरीके के एविडेंसेस इकट्ठे करके दिए जाएं जिससे कि उस व्यक्ति का जो दोष है वो बखूबी साबित हो और न्यायालय उसे दंडित करे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम बहुत अच्छे से अपने एविडेंस पर काम करें, बहुत अच्छे से अपनी आईपीसी पर काम करें, और अदर जो एक्ट हैं उन सब पर हम बहुत अच्छे से काम करें। और इन सारी चीजों के बारे में हमें बहुत अच्छे से वहां पर पढ़ाया जाता है, और पढ़ाने के बाद वाकायदा इनका सबका एग्जाम भी होता है। फिर उन एग्जाम को हमें पास करना होता है, पास करके ही हम जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं जो है हम फिर एक सफल कैंडिडेट उसी के बाद बन पाते हैं। ये थी इंडोर वाली बात। इसके बाद आउटडोर, आउटडोर कोई भी जो सेशन चलते हैं वो एक इन्फेंट्री ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि आप लोगों को सारी मॉक ड्रिल वगैरह सिखाई जाती है, और दूसरी आपकी जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, इसमें आप लोगों की सारी की जो शरीर की जो क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो बढ़ाई जाती है, और उसके संबंध में आपको तमाम तरीके की जो है एक्सरसाइज करवाई जाती है। जो सबसे अच्छी चीज लगती है ट्रेनिंग सेंटर की, वो है आपका डिसिप्लिन, कि वो जब आप काम करेंगे, जब आप ट्रेनिंग करेंगे ट्रेनिंग सेंटर में, तो आपको इतने बजे जगना है, इतने बजे फील्ड में पहुंचना है, इतने बजे ये इतने घंटे का ये सेशन होना है, इतने घंटे की आपकी इंडोर क्लास होनी है, इतने बजे आपको खाना खाना है, ठीक है, और इतने बजे आपको ग्राउंड में रहना है, इतने बजे आपको वापस आना है, इतने बजे आपको सोना है, और इतने बजे आपको जगना है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं अपने आप में एक नई चीज होती हैं। जो लोग डिसिप्लिन्ड है पहले से ही, उन सब लोगों को, और जो नहीं भी है उन भी लोगों को इस तरीके की लाइफ को जीने में एक बहुत मजा आता है। नए नए अलग अलग पूरे एंटायर यूपी से, और यूपी के अलावा भी काफी सारे स्टेट से जो खासकर यूपी से लगे हुए हैं, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, यहाँ से भी काफी सारे कैंडिडेट्स आते हैं। उन सब लोगों से घुलना मिलना, उन सब लोगों से बातें करना, और उन सब लोगों से भी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो सीखना ये एक प्रोसेस जो है वो ट्रेनिंग में हमें एक नया डायरेक्शन देता है। हम ये वाला एग्जाम क्लियर करके केवल इस लायक बनते हैं कि हम एक पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन हमारी असली क्षमता या हमारी असली पढ़ाई ट्रेनिंग में ही जाकर के होती है, और हमें ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जितने अच्छे से ट्रेनिंग करेगा फील्ड में, उस व्यक्ति को उतने ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी क्षमताओं को दिखाने का मौका मिलेगा, और उतने ही अच्छे तरीके से वो अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट कर पाएगा, चाहे तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में करना हो, या इसके अलावा जो है वो इन्वेस्टिगेशन का काम जो है करने में हो। इसके अलावा तमाम जो वेपन्स होते हैं, चाहे वो पिस्टल हो या रिवॉल्वर हो या कार्बाइन हो, या इसके अलावा जो आपकी राइफल है, इंसास हो, एसएलआर हो, या AK-47 हो, या इसके
अलावा और भी तमाम जो वेपन्स हैं उन सभी की बेसिक जानकारी हम लोगों को वहां पर दी जाती है, और इन सब चीजों के बारे में, इनको किस तरीके से खोलना है, इनको किस तरीके से फायर करना है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट सेशन आपका फायरिंग का भी होता है, आपका फायरिंग का भी एक एग्जाम होता है। पहले आपको फायरिंग सिखाई जाती है, उसके बाद आपको फायरिंग का एग्जाम होता है। तो इन सब चीजों के जो जो आपको वहां पर सिखाई जाती है, इन सब चीजों का आपका एग्जाम होता है, इंडोर का एग्जाम होता है, आउटडोर का एग्जाम होता है, फायरिंग का एग्जाम होता है, इन सब चीजों का आपका एग्जाम होता है। स्विमिंग भी उसको आपको वहां पर सिखाई जाती है, हॉर्स राइडिंग भी आपको वहां पर सिखाई जाती है, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपका एग्जाम होता है, और एग्जाम को पास करके ही फिर अंत में आपकी पासिंग आउट परेड होती है, और पासिंग आउट परेड में जो है आप फिर ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, और शपथ लेते ही जो है आप एक पुलिस अधिकारी बन जाते हैं, और उसके बाद आप लायक हो जाते हैं कि आप अपने फील्ड में जाएं, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से या कहें कि बोर्ड की तरफ से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। इसका कोई भी कहना चाहिए कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई गणित नहीं है। हाँ, बस इतना कैलकुलेशन जरूर है इसका कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको पहले तो अपनी रेंज में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, अपने प्रक्षेत्र में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, और दूसरा अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट की जितनी बाउंड्रीज जिन डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती हैं उन डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अलीगढ़ से आता हूँ तो मुझे अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़ प्रक्षेत्र में, या कहूँ मैं मुझे अलीगढ़ रेंज में कहीं पोस्टिंग नहीं मिलेगी, और अलीगढ़ से जितने भी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री लगती है उन डिस्ट्रिक्ट में भी कभी मेरी पोस्टिंग नहीं होगी। तो केवल ये एक कैलकुलेशन जरूर है पोस्टिंग का, इसके अलावा आपको कहाँ पोस्टिंग मिलेगी पहली, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको मिल जाती है। बाद में आप चाहें तो हेडक्वार्टर जाकर के या फिर अपनी किसी भी परेशानी की वजह से, फैमिली से बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं, या फैमिली में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की तबीयत ज्यादा खराब रहती है, उसको साथ रखना होता है, तो इस वजह से आप ट्रांसफर करा सकते हैं, ट्रांसफर हो भी जाते हैं। और कुछ समय के बाद प्रोबेशन पीरियड खत्म करने के बाद, 1 साल की ट्रेनिंग होती है और 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, वो खत्म करने के बाद आपके आसानी से जो है, और अगर आपकी जेनुअन कोई प्रॉब्लम है तो उससे पहले भी आप लोगों की जो ट्रांसफर है वो हो जाते हैं। लेकिन इस चीज का कोई गणित नहीं है कि सबसे पहली पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगी, ये पूरी तरीके से जो है बोर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो सबसे पहले आपको कहाँ पोस्टिंग के लिए भेजते हैं। जी बिल्कुल। और पुनीत जी, आपने ट्रेनिंग को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया, और तमाम बच्चे ये ट्रेनिंग वाला जो फेज है वो आपका स्टार्ट होगा रिटेन और फिजिकल को क्वालिफाई करने के बाद, जब आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। और जैसा कि पुनीत जी ने अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट किया था मुरादाबाद पुलिस एकेडमी से, एंड वहाँ पे काफी लाइफ लर्निंग रही है, काफी आपने प्रैक्टिकल चीज को सीखा है, और एक पुलिस का जो मैनुअल होता है, चाहे वो क्राइम लॉ हो, चाहे आपका चाइल्ड मैरिज एक्ट हो, वो तमाम चीजें आप सीखते हैं, और उसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन आपकी स्टार्ट हो जाती है आपकी पासिंग आउट परेड के बाद। तो इस जर्नी को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे बच्चों के साथ एक्सप्लेन किया, और तमाम बच्चे जो इस लाइव सेशंस को देख रहे हैं, इस सेशंस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके बहुत सारे मित्र किसी भी वजह से अगर इस सेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे, या UPSI का अभी तक फॉर्म नहीं भरा होगा, तो ये जानकारी आप अपने दोस्तों तक को भी पहुंचाइए, ताकि इस सेशंस का बेनिफिट उनको मिल पाए। और जो फॉर्म भरने की डेट को जो फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 30 मई तक, इसका बेनिफिट आपकी तैयारी में मिल पाए, और आपको जो भी कोई चीजें आती है तो आपके बेनिफिट के लिए होती है, और आपको ये सोच के चलना है कि ये चीजें हमारे लिए बहुत सकारात्मक लेकर के आई है, और इसमें हम अपने स्टडी को और भी बढ़िया अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो पूरी सेशन है, इस पूरे सेशन को अगर मैं इसके जिस्ट को कंक्लूड करूं, तो हमने इस पूरे सेशंस में जो आज हमारे साथ गेस्ट ऑफ द डे हैं पुनीत कुमार जी, सब इंस्पेक्टर, पुनीत कुमार जी सब इंस्पेक्टर के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की, और बतौर पुनीत जी ने काफी अच्छे रैंक के साथ इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग में भी काफी अच्छे एक ट्रेनीज के ट्रेनीज निकले हुए हैं, और एक सब इंस्पेक्टर रैंक पे अभी कार्यरत हैं। इसमें हमने रिटेन के साथ स्टार्ट किया था इस जर्नी को, कि रिटेन की तैयारी का जो स्ट्रेटजी होगा उसमें हमने जाना कि रिटेन का मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जनरल हिंदी हो, मूल विधि, साथ में आपका जनरल स्टडी का जो भी सब्जेक्ट्स है,
उस सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आपको आप या तो ट्यूशन ले रहे हैं या तो आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप तैयारी को चेक करने के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, जो यूपीएसआई में अब तक क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसका एक कलेक्शंस का संग्रह लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और आपको रियल एग्जामिनेशंस में बैठने का भी प्रैक्टिस पहले से आपको अपने घर पे करने की जरूरत है। यानी आपको मॉक टेस्ट अधिक से अधिक लगाने होंगे। मॉक टेस्ट मैं आपको बता दूं कि कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, मॉक टेस्ट एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का एक कुंजी है, क्योंकि वही मॉक टेस्ट आपकी रियल कॉन्सेप्ट्स को, जो आप 6 महीने में या 4 महीने में या 1 साल में आपने जो डेवलप किया है तैयारी करके, चाहे आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया होगा, फिर आपने जो कंटेंट को डेवलप किया, उस कंटेंट को उस मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको उतारना होता है, और उसके लिए आपको मात्र 2 से 3 घंटे का ही टाइम दिया जाता है। तो अपनी तैयारी को 2 से 3 घंटे में कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ चेक करना कि हमने किस लेवल तक हमारी तैयारी हो चुकी है, एंड हम अपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को किस लेवल तक ले जाए। तो ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस से होगा, तो अधिक से अधिक मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए, और साथ 4 जो आपका सब्जेक्ट्स है, उस सब्जेक्ट्स के प्रति आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, साथ में फिजिकल एक्टिविटी का भी उतना ही वेटेज है जितना कि आपका रीजन का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इवन फॉर्म भरने की प्रक्रिया का भी इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना कि तैयारी का और आपकी शारीरिक दक्षता टेस्ट रिटेन का। तो हर एक चीज को इक्वली लेकर के चलना है, और आप एग्जामिनेशंस को बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं, और तमाम बच्चों के जो यहाँ पे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, एक बार फिर मैं क्वेश्चंस ले लूंगा। जो आपके क्वेश्चंस थे, उस क्वेश्चंस में आपको बताना चाहूंगा कि हमने ये जानकारी देने की कोशिश की थी। माफी चाहूंगा तमाम बच्चों से, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपके साथ मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था, फिर मैं आपके साथ लाइव हूँ। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे, फिजिकल हो या रिटन एग्जामिनेशन हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, सारी प्रोसेस का इक्वल वेटेज है। बस आपको सकारात्मक होकर के एक रूटीन के साथ आपको तैयारी करनी है, और इस एग्जामिनेशन को आप बिल्कुल फतह कर सकते हैं, और जैसा कि पुनीत जी ने किया। एक बार जरूर बच्चों के लास्ट में क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, और इसके बाद इस सेशंस को हम सम अप करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है बच्चों कि ये सेशंस एज इट इज आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होगा amarujala.com की वेबसाइट पे। यूट्यूब पर जाकर के आप इस सेशंस को ले सकते हैं, और इस सेशंस को अपने साथी दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो यूपीएसआई जैसे बड़े एग्जामिनेशंस के प्रति पैशनेट है और इस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्जामिनेशंस में जो गेस्ट ऑफ द डे है वो आपके साथ लाइव वेबिनार में पुनीत कुमार जी हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, और सूरज कुमार जी। बिल्कुल तमाम बच्चों को मजा आ गया इस सेशन से, और काफी कुछ आप लोगों ने सीखा। हमारी पहल ये है कि सफलता टॉक के माध्यम से हम नए गेस्ट को बुलाते हैं, और इस इन गेस्ट की लाइफ जर्नी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि गेस्ट की क्या जर्नी रही है, किस तरीके से हमारे गेस्ट ने तैयारी किया है, और ये पूरी जर्नी को हम आपके साथ यहाँ साझा करते हैं। इस सेशंस को मैं अब सम अप करना चाहूंगा पुनीत जी, और खास करके लास्ट क्वेश्चंस के साथ, कि जैसे कि मैंने देखा है अक्सर कि बच्चों को लगता है कि जो संसाधन से संपन्न व्यक्ति है, या जो बच्चा मुखर्जी नगर जैसे बड़े मार्केट में रहता है, मुखर्जी नगर जैसे कोचिंग हब में ही रहता है, या बहुत सारे बच्चे आपको पता है कि लखनऊ हो या अलाहाबाद सिविल लाइंस जैसे जगहों पे नहीं जा पाते हैं संसाधन की कमी के कारण, तो उन बच्चों को लगता है कि जिनके पास संसाधन होता है वही बच्चे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छी ट्यूशन होती है, एक लोकेशन चेंज होने से जो तैयारी की जो स्ट्रेटजी होती है वो चेंज होती है। सो इस पे थोड़ा सा कम शब्दों में आप बच्चों को बताइए कि इस पे बच्चे का जो सोच है उसको कितना सही है और कितना गलत है, और लास्ट में
आपका क्या मूल मंत्र रहा है इस एग्जामिनेशंस के लिए, बच्चों को क्या आप लास्ट टिप्स देना चाहेंगे किस तरीके से एग्जाम्स को क्वालिफाई किया जा सकता है, इसके बाद हम सेशंस को कंक्लूड कर लेंगे। ओके, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, ये भैया ये दिलीप जी ने बहुत अच्छी बात कही है ये, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय भी रहता है अधिकतर एस्पिरेंट्स के मन में कि संसाधन कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो देखिए जहां तक मेरा अनुभव है, इस चीज को डिनाय नहीं किया जा सकता कि आपकी सफलता के लिए संसाधन जरूरी हैं, क्योंकि अगर आपके पास संसाधन होंगे तो आप उन संसाधनों का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएंगे और कम समय में सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि संसाधन कहीं ना कहीं आपको बहुत सही दिशा में गाइड करते हैं, जिससे कि आपको एक डायरेक्शन मिलता है, आपको आप एक नजरिया विकसित होता है, और जब आप ये प्रॉपर गाइडेंस ले रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप का जो भटकाव है, इधर से उधर जो भटकना है, वो मुझे लगता है कि कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, और इस वजह से आप फोकस ज्यादा हो जाते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेकर के कंसर्न रहते हैं, पढ़ाई को लेकर के ज्यादा कंसर्न रहते हैं, सीखने को लेकर के ज्यादा कंसर्न रहते हैं, और ये सब चीजें जो हैं आपकी सफलता के ऊपर जरूर प्रभाव डालती हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आपके पास संसाधन कम है या संसाधन नहीं है तो आपके लिए सफलता नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये किसी भी एंगल पर नहीं है। अगर आपके पास संसाधन कम है या संसाधन नहीं है तो आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं, और इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। जरूरी नहीं है कि आप महंगी महंगी जगह पर जाकर के ही, जहां पर हजारों रुपए आप कोचिंग सेंटर्स में दें, हजारों रुपए आप जो है मंथली रेंट पे करें रूम का, खाने का और भी तमाम चीजों के लिए, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, संसाधन कहीं ना कहीं आपकी सफलता को थोड़ा आसान जरूर बना देते हैं, लेकिन अगर आप एक दिशा में या अगर आप एक गोल को लेकर के पूरी तरीके से उसे समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं, तो फिर आपके लिए संसाधनों का उतना महत्व तो नहीं रह जाता है। संसाधनों का महत्व तो जरूर है, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा महत्व है आपकी एकाग्रता का और आपके डेडिकेशन का। अगर आप डेडिकेटेड होकर के काम करते हैं तो कम से कम संसाधनों में भी आप अच्छी से अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं कि हम क्या करें ऐसी कंडीशन में अगर हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो देखिए आज के समय में चीजें आपके पास बहुत अच्छी हैं। जिस समय मैं पढ़ाई किया करता था उस समय मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, नेटवर्क ये इंटरनेट नहीं था, तो मुझे कई कई बार एक एक क्वेश्चन ढूंढने के लिए 4-4 घंटे लग जाते थे, किताबों में बुक्स में ढूंढते थे, नहीं मिलता था, फिर ढूंढते थे, फिर भी नहीं मिलता था, फिर इधर उधर पूछा करते थे, पता चल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता था, काफी सारे क्वेश्चंस थे जो नहीं मिलते थे। लेकिन आज के समय में आपके पास इतनी अच्छी व्यवस्था है ऑनलाइन के माध्यम से, या तमाम जो साइट्स हैं उन तमाम साइट्स के माध्यम से, तमाम एजुकेशन साइट्स हैं आजकल, या फिर इसके अलावा गूगल ऐप है आपके पास, तो आप इन सभी चीजों के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और आपका जो समय होता है वो समय क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, तो ये चीज एकदम सही है कि संसाधन जरूरी होते हैं, लेकिन अगर संसाधन नहीं है तो आपको हिम्मत हारने की जरूरत कतई नहीं है, किसी भी स्तर पर नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, सफलता थोड़ा सा लेट मिलेगी लेकिन आपको सफलता मिलेगी जरूर, और आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और इसके अलावा जब कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ते समय केवल पढ़ें, उस समय न कोई फोन कॉल, न कोई फ्रेंड, न कोई रिलेटिव्स, न कोई फैमिली मेंबर, कुछ नहीं, केवल आप और आपकी पढ़ाई। मैं कहूंगा अगर आप दिन में 3 घंटे भी पढ़ पा रहे हैं, 4 घंटे भी पढ़ पा रहे हैं, और अगर आपने अपना मोबाइल फोन ऑफ करके साइड में रख दिया है, बिल्कुल आपको किसी से कोई चिंता नहीं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है किसी भी तरीके का, तो आप बहुत ही अच्छी दिशा में जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी को कंपाइल कर रहे हैं, इस तरीके से आप अपनी तैयारी को संगठित कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर जब कभी भी आप पढ़ें तो देखिए पढ़ते समय भटके नहीं,
भटकने से बचने का बहुत अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए कि सिलेबस किस किस चीज की डिमांड कर रहा है। मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक हैं, रीजनिंग में कौन से टॉपिक हैं, हिंदी में कौन से टॉपिक हैं, और जीएस में मूल विधि या संविधान में कौन से टॉपिक हैं। उन सभी टॉपिक के हिसाब से आप बुक्स लें। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स लें, आप केवल एक ही बुक लें लेकिन उस बुक को बार बार पढ़ें। आप हजारों बुक को एक बार पढ़ के कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे लेकिन आप एक बुक को 20 बार पढ़ के बहुत कुछ हासिल करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी कि जो आपकी जो प्रैक्टिस है वो लगातार आपको सफल बनाती है, जो है वो आपको लगातार बहुत अच्छी जगह पहुंचाती है। तो ये प्रैक्टिस आप लगातार करते रहें, जो जो आपके सिलेबस में डिमांड है उसके हिसाब से आप बुक्स वगैरह लें, हिंदी की उसी हिसाब से तैयारी करें। हाँ, अभी कुछ देर पहले हिंदी का एक क्वेश्चन आया था, उसका जवाब मैं नहीं दे पाया। देखिए, हिंदी के लिए अगर आप चाहें तो कोई भी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, कोई भी ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, कोई भी जो ट्यूटर है आप उससे मदद ले सकते हैं। अगर आपके पास इतने संसाधन नहीं है तो एक कोई भी एक बुक खरीद लो, जैसे कि घटना चक्र की एक बुक आती है, और एक कोई इलाहाबाद का कोई पब्लिकेशन है, आदित्य पब्लिकेशन शायद, उसकी एक बहुत अच्छी बुक आती है। तो कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं, मैंने पढ़ा था उससे, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। और अब हो सकता है उससे अच्छी बुक कोई और आ गई हो मार्केट में, आप चाहें तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लगातार आप रिवाइज करिए इन इन चीजों को। जो चीजें आपको कठिनाई दे रही हैं उन चीजों के बारे में आप जिस किसी से भी मदद ले सकते हैं उससे मदद लें, और डायरेक्शन में तैयारी करें। और डायरेक्शन में तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको हमें ये तो पता चल जाता है सिलेबस के माध्यम से, मतलब हमें ये सिलेबस के माध्यम से पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते समय हम लोगों को ये तो सिलेबस से पता चल जाएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे इस एग्जाम में, ये हमें सिलेबस से नहीं पता चलता, ये हमें पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो हमेशा सिलेबस के हिसाब से बुक्स को चूज करें, और उन बुक्स में हमको किस तरीके से क्वेश्चंस को सेट करना है या किस तरीके के क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के चलें। आप ये कतई न सोचें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मेरे कितने मार्क्स आएंगे। अगर पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने में, पहले मॉक टेस्ट को करने में, जिन्हें आप कभी कभी मॉक टेस्ट भी बोल देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, मॉक टेस्ट ले लो, कुछ भी ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो क्वेश्चन पेपर है जो कभी ना कभी आ चुके हैं, यानी कि वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। तो उन सब चीजों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकते हैं, एक डायरेक्शन दे सकते हैं। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर करते समय ये मत सोचिए कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पहले क्वेश्चन पेपर को करते समय अगर 0 भी मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता की विषय नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से आपको अपने आप को जज करने का मौका मिलेगा, और आपसे अच्छा आपको और कोई जज नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप अपने आप को जज करें, ईमानदारी से क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, ये नहीं कि हमने आंसर देख लिया, कुछ नहीं, कतई नहीं। मैं जैसे करता हूं अभी भी, मैं कभी भी क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा होता हूं तो कभी भी उस पर टिक नहीं लगाता, उसके आंसर पर कभी टिक नहीं लगाता उसके आंसर पर। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और सॉल्व करने के बाद जब आंसर आ जाता है तब मुझे पता चल जाता है, तब मैं देखता हूँ कि हाँ इसका आंसर ये है। इसी तरीके से मैं रीजनिंग में करता हूँ, जीएस में करता हूँ, और जो भी मेरा सब्जेक्ट है, जो भी एग्जाम का है, या ऐसा ही मैंने किया था। और अगर आपके पास इसका कोई बेहतर अप्रोच है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, मैं आप ये नहीं कह रहा कि आप मेरा कॉपी करिए, लेकिन ये तरीका मेरा था। लेकिन आप इतना जरूर करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के और सिलेबस को पहले देख करके, उसे डिफाइन करके आप बुक्स खरीदें, बुक्स लें, और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करें, और फिर जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उनको करने में, उन सभी चीजों को आप कहीं ना कहीं किसी से मदद भी ले सकते हैं। अगर आप संसाधन संपन्न हैं तो क्लासेस ले सकते हैं, संसाधन संपन्न नहीं है तो किसी से भी मदद ले सकते हैं। आप मुझसे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरा जो ट्विटर हैंडल है आप उस पर मुझे कोई भी मैसेज डाल सकते हैं,
मैं वहां पर लगातार जो चीजें हैं उन चीजों के बारे में मैं बताता रहता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट मुझसे लगातार पूछते रहते हैं, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया भी है। मेरा इस जॉब में आने से पहले मैं एक टीचर था। मैं काफी जगह पढ़ा चुका हूँ, काफी कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ा चुका हूँ। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट मुझे आज भी कॉल करके, या बहुत सारे स्टूडेंट मुझे आज भी ट्विटर के माध्यम से जो है क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप PUNEET _RM पर जाकर के मुझे वहां पर ट्विटर हैंडल पर कोई भी मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको जवाब दे दूंगा। वहां स्टूडेंट मुझसे इस तरीके से पूछते हैं, या इसके अलावा आपके पास कोई और भी व्यक्ति है जो आपको इस तरीके की चीजें दे सकता है, इस तरीके की चीजें आपको प्रोवाइड करा सकता है, हेल्प दे सकता है, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन झिझके नहीं किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के एक सारी की सारी जो हमारी जानकारी थी उसका ये एक निचोड़ है कि किस तरीके से आपको जो है प्रिपरेशन करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और तमाम बच्चों को सफलता.com के इस सफलता. टॉक के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन हम दे पा रहे थे, और पुनीत जी ने जो भी जानकारी दी ये बहुत ही रिलेवेंट है. और ये सेशंस बच्चों आपको एज इट इज रिकॉर्डेड फॉर्मेट के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा. ये सेशंस आप सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल अथवा आप AmarUjala.com के यूट्यूब चैनल पर जाकर के ये जानकारी आप ले सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी इसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं. सो इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए, अपनी लाइफ जर्नी के साथ अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करने के लिए पुनीत जी आपका हम तहे दिल से आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं. आपने अपना समय दिया हमारे लिए और बच्चों के लिए. सो तमाम बच्चों को ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एज इट इज अवेलेबल रहेगा. आप इस सेशंस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं ताकि इस सेशंस का बेनिफिट उनको मिल पाए. और सबसे बड़ी बात, कोरोना को मात मास्क के साथ, तो मास्क जरूर लगाना है आप लोगों को. आप अपने घरों पे, आपके फैमिली में और आप आपके जो भी जानकारी जानकार हैं उनको मास्क लगाने के लिए इनकरेज करिए अगर वो मार्केट भी जाते हैं, क्योंकि कोरोना को मात मास्क के साथ. पुनीत जी इस सेशंस को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं एंड लास्ट आप बच्चों के साथ एक बार हेलो हाय कर करके इस सेशंस को वाइंड अप करते हैं. और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस. थैंक यू सुमित जी. थैंक यू सो मच।